स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर, यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं, इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है, इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानी शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय मैं रखता हूँ, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में स्थापित न की गई सिफारिश, जब ये सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारत औसत लागत से कम 50% से अधिक खोजना चाहिए, कैबिनेट नोट में ये लिखा, एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबंध घटकों की किस पर विचार करते हो बस्तीपूरक मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसे स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पर रखता हूँ, बचा के रख लो, ये ले जाओ, ये दे दे, दे दिए वो दे दिए, ये भी दे, ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं, ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे, कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।